First of all, I would like to greet all my students, all my dear friends, and as many as people are watching me, I greet all good afternoon. जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं इस चैनल मिरेकल ऑन क्लासेस पे आपको इंग्लिश सिखलाने का काम करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको इंग्लिश सिखलाने नहीं आया, आज मैं आपको कुछ बच्चों से परिचित कराने आया हूँ, कुछ उन बच्चों से, जूनियर क्लासेस के उन बच्चों से जो बच्चे आज मेडल के साथ पुरस्कृत होने वाले हैं। उन बच्चों को आज मेडल के साथ अवार्डेड किया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चे स्पोकन क्लासेस में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। मैंने अपने एक जूनियर बैच में 5 ग्रुप बनाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, या आप कह सकते हो ABCDE। इन 5 ग्रुप में 4-4 स्टूडेंट्स अपॉइंटेड थे, 4-4 स्टूडेंट्स ज्वाइन थे, और उन चारों का कोलिजन 3 बार हुआ है, एक बार भी नहीं। और इन तीनों बार के कोलिजन के बाद एक रिजल्ट आया कि हु इज़ द फर्स्ट, हु इज़ द चैम्पियन ऑफ द ग्रुप। तो मैंने ग्रुप ए से किसी एक को निकाला, ग्रुप बी से दूसरे को, सी से तीसरे को, डी से चौथे को, और ई से फिफ्थ वाले को। मैं उन सभी बच्चों से आपको मिलवाना चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ एक ही बच्चे से मिल पाओगे जिसने ग्रुप ए से अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं उस छात्र को बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, और उस छात्र से शायद आप हो सकता है मोटिवेट हो सकोगे कि इतना छोटा सा लड़का या 12-14 साल के लड़के अगर इंग्लिश बोल सकते हैं तो हम 20, 25 और 30 के होकर क्यों नहीं बोल सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ हमें मेहनत करने की, परिश्रम करने की, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेहनत करने से क्या हासिल नहीं होता, दुनिया के वो हर चीज़ हासिल हो जाती है अगर हम दिल से मेहनत करें। तो इन बच्चों को स्पोकन कुछ ज़्यादा समय से नहीं करवाया जा रहा, बस 2-3 महीने से इन बच्चों को मैं स्पोकन करा रहा हूँ, और इन 2-3 महीनों में बच्चों ने टूटी फूटी इंग्लिश सीख ली है, और मैं चाहता हूँ कि ये टूटी फूटी इंग्लिश आपको वो लोग सुना सके और आप भी उनसे इंस्पायर हो सके, और उन्हें मैं मेडल के साथ भी पुरस्कृत करने वाला हूँ। तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट हियर आदित्य कुमार। आदित्य, यू नो यू आर हेयर टू अचीव योर मेडल। यू स्टूड फर्स्ट इन ग्रुप ए, सो आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर मेडल, अबाउट योर लेवल, बट आफ्टर इट आई वुड लाइक टू रिवाइव यू। डियर स्टूडेंट्स, आप जरा देखेंगे कि ये आदित्य कुमार ने जो मेडल हासिल किया है, अभी तो इसे मेडल नहीं दिया गया है, मैं जस्ट इसको अवार्डेड करने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ या आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये लड़का ने मेडल जो लिया है वो किस कारण से लिया है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, और इसने कितनी मेहनत की ये भी हम जानेंगे। पर उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि आदित्य अपने बारे में आप सबको कुछ बताए, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ दे सके। सो लिसन टू हिम। हेलो गाइस, दिस इज आदित्य, इनहेबिटेंट ऑफ सारण बिहार इन ए स्मॉल विलेज सुतिहार। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू अचीव द मेडल इन ग्रुप ए विद फर्स्ट। दिस इज नॉट अ मेडल, वेयर एज दिस इज द प्रूफ ऑफ माय इंग्लिश स्पीकिंग। सी, आई वुड थैंक्स माय टीचर, और आई वुड थैंक्स माय ऑनरेबल सर हु हैज प्रोवाइडेड मी दिस मेडल टू एनकरेज मी। That's all. Give a big hand for Aditya. Aditya, I'd like to ask you something. Okay, I'd like to ask you something. If I ask you in English, perhaps you will not be able to explain very properly. So I'd like to ask you in Hindi. And in next session, in incoming days, I'd like to ask questions into English, not in Hindi. So, मैं ये पूछना चाहता हूँ आदित्य कि 5 ग्रुप थे हमारे पास, ABCDE, और इन 5 ग्रुप में सबसे अव्वल ग्रुप जो था A, उसमें से तुमने अपना अव्वल दर्जा हासिल किया है, और एक बार के और कॉन्टेस्ट में तुमने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आखिर ये स्थान तुमने कैसे प्राप्त किया, इसके लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी, और क्या क्या एक्टिविटीज़ तुमने की जिसके कारण तुम ग्रुप A से प्रथम आए हो? मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैं इस पर ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करता था, यानी मतलब घंटे तक मैं इसको नहीं पढ़ता था। मैं जहाँ भी जाता था कोई एक टॉपिक उठाकर रास्ते में इस पर बकते जाता था, कहीं भी बैठता था तो कुछ चीज़ देखकर उस पर 2-3 सेंटेंस बोल देता था, और मैं घर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे मतलब स्पोकन पर तैयारी की है।
आदित्य ने जो अपने बारे में बताया, आप लोग जानकर दंग हो गए होंगे कि ये लड़का कहना चाहता है कि इसने घर पे ज़्यादा मेहनत नहीं करी, लेकिन इसके अंदर अंग्रेजी बोलने की जो एक जुनून है, जो एक एक्साइटमेंट है, वो ऐसी थी कि रास्ते में चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जगते हुए, घूमते फिरते हुए भी ये लड़का इंग्लिश सोच रहा था। क्योंकि लोग कहते हैं ना, थिंक इन इंग्लिश, और ये ठीक वही कर रहा था, इंग्लिश में ही सोच रहा था। तो आदित्य फर्स्ट आया है, प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है। उसका कारण आदित्य ये देना चाहता है कि मैंने घर पे कुछ खास मेहनत नहीं करी है, लेकिन मैंने हर वक्त अंग्रेजी सोची है, मैंने हर वक्त कोई ना कोई टॉपिक लेकर के उस पर बोलने की पूरी कोशिश की है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में, मैं आपको स्पोकन के वो सारे सीरीज लेकर के आऊँगा जिसमें हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल रहे नज़र आएंगे आपको, इंग्लिश बोलते हुए। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपको एक वीडियो में सभी के सभी स्टूडेंट्स को तो कवर नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स को कवर मैं करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने से लोग पसंद नहीं करते हैं। सो आदित्य के बारे में और भी बहुत कुछ आप जानोगे, बहुत कुछ आप सुनोगे, और इसे इंग्लिश बोलते हुए भी आप देखोगे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए ये लड़का काफ़ी हेजिटेट कर रहा है, शायद मेरे ख्याल से ना बोल पाए, लेकिन आने वाली जो वीडियोस होंगी आदित्य की, वो आदित्य जिसमें इंग्लिश बोल रहा होगा। अब बारी आती है इस लड़के को अवार्ड देने की, इस लड़के को मेडल देने की, क्योंकि इस लड़के ने मेडल जीतने का काम किया है और मेडल के लिए बहुत मेहनत की है। आने वाले समय में मैं खुदा से दुआ करता हूं कि ये लड़का फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएगा, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकेगा। सो आई एम गोइंग टू अवार्ड विद अ मेडल। डैट इज़ नॉट अ मेडल, डैट इज़ द प्रूव ऑफ हिज लेबर, डैट इज़ द प्रूव ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। सो लेट्स सी। आदित्य, मैं तुमसे जाते जाते एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। जैसा कि तुमने इस मेडल को प्राप्त किया, आगे आने वाले दिनों में, इन कमिंग डेज, इन फ्यूचर, अभी तो हमारे कोचिंग में, हमारे हर बैच में महीने में एक बार इंग्लिश कॉन्टेस्ट हुआ करता है। वैसे महीने में एक बार ये इंग्लिश कॉन्टेस्ट जो होता है, इसमें हर बार के कॉन्टेस्ट में क्या तुम ही प्रथम आना चाहोगे, या फिर हो सकता है तुमसे कोई ज़्यादा मेहनत करके तुमसे कहीं आगे निकल आए और वो मेडल का हकदार बन जाए? तुम क्या कहना चाहोगे इस विषय में? मैं हर बार कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, जो पहले किया हूँ उस पर घमंड नहीं होगा, मैं हूँगा, क्योंकि मैं फर्स्ट आया था पहले भी, एक बार और फर्स्ट आया था, फिर भी आया हूँ, मैं बाद में होकर घमंड नहीं करूँगा, मैं और मेहनत करूँगा और बार बार फर्स्ट आने की कोशिश करूँगा। वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड फॉर आदित्य। सो डियर फ्रेंड्स, डियर गाइज, आपने देखा इस लड़के को। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस लड़के से उतनी अंग्रेजी नहीं बुलवाई। फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी कोई कैमरे पे आता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। आपसे मैं वादा करता हूँ कि ये लड़का इंग्लिश बोल रहे होगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो शायद अच्छी लगी हो, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि एक बार में मैं किसी एक वीडियो में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को कवर कर पा रहा हूँ। सो इसके लिए आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप चाहो तो उन 5 को भी देख सकते हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए स्टूडेंट्स के साथ मेडल लिए हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।